जस्ट इनफिजिकल की इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक साउंड बार के बारे में बताया था जो था एक पोक ऑडियो का साउंड बार जो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ आया था फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज में जो फिलहाल खत्म हो चुका है। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स देखे कि आपने नहीं खरीदा है, आप सिर्फ पिक्चर लेकर बात कर रहे हो, आप सच में अनबॉक्सिंग करके दिखाओ। तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए उसी पोक सिग्ना S1 साउंड बार का अनबॉक्सिंग और एक छोटे सा साउंड टेस्ट करके भी दिखाएंगे आपको साउंड बार में क्या क्या मिलता है, कैसा दिखने में साउंड बार है, साउंड बार का क्वालिटी कैसा है, कैसे आप इसको सेटअप करेंगे, सब कुछ डिटेल में दोस्तों बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों, और अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। साउंड बार की बॉक्स पर आपको ऐसे मिल जाता है दोस्तों, ऊपर देखिए आपको बड़ा सा लिखा है पोक सिग्ना S1 पोक एक्सपर्ट ग्रेड साउंड। तो दोस्तों साइड में आप देख सकते हो इसी ऊपर में आपको एक पिक्चर दिए गए हैं और कुछ फीचर्स लिखा है, बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों जो लिखा है चाइनीज लैंग्वेज में। और दोस्तों यहाँ पे जो समझ में आता है मुझे वो है डॉल्बी ऑडियो, पोक का वॉइस एडजस्ट और वायरलेस सबवूफर और ब्लूटूथ, ये सब लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इस साइड में आप देख सकते हो कई इमेजेस है, साथ में आपको ये हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए जो चाइनीज में लिखा है, तो मुझे नहीं आता है तो स्किप कर देता हूँ। साइड में दोस्तों वही फीचर्स लिखा है, इसे में देख सकते हो आप एक ग्राफिकल इमेज है, वही दोस्तों चाइनीज में कुछ फीचर्स लिखा है। और दोस्तों यहाँ पे डॉल्बी वायरलेस और ब्लूटूथ का ऑप्शन है और ऑप्टिकल केबल का भी जो पिक्चर है वो दिए गए है। और दोस्तों इस साइड में आप देख सकते हो एक कलरफुल इमेज आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे आपको बॉक्स पैक देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों डब्बा को हमने खोल लिया है और ये रहा पहले आपको एक बार मिलता है, बार को हम दिखा देते हैं दोस्तों, ये रहा आपका बार। बार दोस्तों आया है रैपिंग के साथ, तो रैपर को भी हटा देते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको बार कैसा है। ये रहा आपका बार दोस्तों, इसमें क्या क्या बटन्स है, क्या क्या दिए गए हैं पोर्ट्स वगैरह सब कुछ बात करेंगे और एक क्लोजअप लुक्स भी देंगे। बट दोस्तों देख लेते हैं और क्या क्या आपको बॉक्स में मिलता है, तो बार इधर कर देते हैं हम। नेक्स्ट आइटम जो है हमारे पास ये रहा दोस्तों इसका सबवूफर, तो सबवूफर को भी लेकर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों और क्या क्या है बॉक्स में वो पहले देख लेते हैं। ये दोस्तों एक मैनुअल मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड और दोस्तों ये सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो पावर कॉर्ड मिल जाता है जो एक साउंड बार में लगेगा और एक दोस्तों सबवूफर को पावर देने के लिए। सबवूफर और साउंड बार के अंदर दोस्तों कोई भी वायर की कनेक्शन नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों ये जो सबवूफर है ये दोस्तों वायरलेस सबवूफर है। रिमोट दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिमोट लग रहा है फिलहाल, छोटा सा है, क्यूट सा है। बट दोस्तों यहाँ पे जो सब ऑप्शन का ऊपर जो लिखा है दोस्तों वो चाइनीज का है, चाइनीज लैंग्वेज हमको फिलहाल आती नहीं तो मैं पढ़ के बता नहीं सकता आपको। देखिए और सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है दोस्तों, बट आपको इंग्लिश वर्सन ये इसका पिक्चर आपको मिल जाएगा तो आप चिपका सकते हो यहाँ पे या फिर लिख सकते हो मार्कर से। यहाँ पे जो दोस्तों दो कॉर्ड्स दिए गए हैं आपको, एक साउंड बार को पावर देने के लिए और एक सबवूफर को पावर देने के लिए। ये जो पावर सोर्स कॉर्ड में दोस्तों ये जो पोर्ट लगा हुआ है ये दोस्तों इंडियन पोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे दोस्तों चाइनीज पोर्ट दिया गया है। दोस्तों सबवूफर को देख लीजिए, सबवूफर आपको ऐसे मिलता है, फुल्ली वुडन का है दोस्तों, काफ़ी वेट भी है इसका, बट दोस्तों जितना दिखता है उतना नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक फैब्रिक यूज़ किया गया है जो काफ़ी अच्छा टेक्सचर दे देता है। यहाँ पे दोस्तों पोक का ब्रांडिंग है और दोस्तों एक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों एयर पासिंग होल है, साइड में कुछ भी नहीं है दोस्तों, दोनों साइड में ऊपर भी कुछ भी नहीं है, पीछे दोस्तों आपको पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलता है। पीछे देखिए दोस्तों आप डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे पोक का ब्रांडिंग है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है पोक सिग्ना S1। यहाँ पे दोस्तों एक पावर इंडिकेटर मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जिसके नीचे लिखा है बार सिंक, ये दोस्तों काम में आएगा बार को सबवूफर से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों पावर इनपुट सोर्स दिया गया है, तो ऐसे ही दोस्तों सिंपल सा सबवूफर है, वायरलेस सबवूफर है और इसका जो आउटपुट है दोस्तों काफ़ी बढ़िया होने वाला है। बार में दोस्तों देखिए एकदम राइट साइड में आपको पोक की ब्रांडिंग मिल जाता है, काफ़ी देखिए दोस्तों कितना हाइट है इसका, बहुत ही स्मॉल है दोस्तों, एक उंगली से भी छोटा है दोस्तों, आप देख सकते हो 2 इंच इसका हाइट है, बहुत ही स्लिम है दोस्तों और काफ़ी दिखने में बहुत ही अच्छा है, मैट लुक्स के साथ आता है। यहाँ पे एक रैपर दिया गया है जिसमें लिखा है दोस्तों हेयर एवरी वर्ड विद वॉइस एडजस्ट ऑल केबल्स इंक्लूडेड ब्लूटूथ डॉल्बी और वायरलेस सबवूफर, ऐसा कुछ लिखा है दोस्तों। बार दोस्तों आप काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मिडिल में कुछ बटन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पहले वाला है दोस्तों पावर, दूसरा वाला है ब्लूटूथ, यहाँ पे इनपुट सोर्स, वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। पीछे दोस्तों आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे दोस्तों वॉल माउंटिंग के लिए जगह है दोनों साइड में, देखिए इस साइड में और इस साइड में वॉल माउंटिंग के लिए जगह है। यहाँ पे दोस्तों पावर इनपुट के लिए जगह है
और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो इनपुट सोर्स है आपको शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल पोर्ट है और यहाँ पे ऑक्स पोर्ट है। तो ऐसे कुछ आपको बार मिलता है। यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों आपका जो इसका मैकेनिज्म दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तरह तरह की फीचर्स और सीरियल नंबर वगैरह लिखा है। तो चलिए अभी दोस्तों फटाफट इसको पावर देते हैं और दिखाते हैं इसका साउंड कैसा है। तो दोस्तों हमने साउंड बार को और सबवूफर को जो है पावर दे दिया है। पावर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कैसा इसका एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक लाइट है जो नीला लाइट है, देखिए दोस्तों एक लाइट है। यहाँ पे और भी दोस्तों कई तीन चार लाइट है। जब आप सोर्स मोड वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज करोगी, ब्लूटूथ पावर ऑफ ऑन करोगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा लाइटें। तो दोस्तों सबवूफर तो वायरलेस है, बट कनेक्ट करेंगे कैसे? सबवूफर के पीछे दोस्तों आपको एक बार सिंक नाम का बटन दिया था, वो दोस्तों 3 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला ब्लूटूथ बटन और दोस्तों ये जो है वॉल्यूम प्लस बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है, तभी दोस्तों आपका जो बार है वो सबवूफर से कनेक्ट हो जाएगा। अभी एक दोस्तों म्यूजिक सैंपल आपको सुना देते हैं ताकि अंदाजा लग जाए बार का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों इसमें जो वॉइस एडजस्ट है वो भी आपको करके दिखाया है। तभी दोस्तों और एक लाइट जो है वो ब्लिंक किया था, तो आपको आप समझ सकते हो कि यहाँ पे और भी कई लाइट है। आपको अभी दिखा देते हैं दोस्तों, देखिए ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ये है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लाइट और एक चेंज हो गया है, यहाँ पे एक है दोस्तों और यहाँ पे एक है। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सोर्स को ये डिफाइन करता है, और दोस्तों जब वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करते हो तभी दोस्तों ये लाइट ब्लिंक करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग की है पोको सिग्ना S1 साउंड बार का, उसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट करके भी आपको दिखा दिया है। दोस्तों साउंड बार बहुत ही बढ़िया है, डॉल्बी है, इसमें वायरलेस सबवूफर है, 120 वाट का आपको आउटपुट मिल जाएगा, और दोस्तों वॉइस एडजस्ट फीचर्स है। तो दोस्तों जैसे सभी अच्छे चीज में बुरे चीज रहते हैं, वैसे ही दोस्तों इस होम थिएटर में कई कमियां हैं, जैसे कि नो USB पोर्ट, नो HDMI पोर्ट। ये दोस्तों मुझे कमियां लगा क्योंकि इसमें दोस्तों USB पोर्ट और HDMI पोर्ट नहीं दिए गए हैं। और दोस्तों एक कमियां लगा जो है दोस्तों, इसका जो पावर सोर्स प्लग है दोस्तों वो इंडियन प्लग नहीं है, वो दोस्तों बाहर का प्लग है दोस्तों। तो दोस्तों इसको यूज करने के लिए आपको एक्सटर्नल कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों, इसका जो रिमोट है दोस्तों उसमें आपको चाइनीज लैंग्वेज दिए गए है, बट दोस्तों साउंड बार के साथ जो यूजर गाइड दिए गए उसमें दोस्तों क्लियरली लिखा है कि कहाँ पे बेस है, कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे इनपुट सोर्स है, सब कुछ लिखा है। इसमें दोस्तों डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है, बट दोस्तों इसमें आपको कई तरह की लाइटें दिए गए है, हर एक लाइट का अलग अलग मतलब है। दोस्तों यूजर गाइड देख के जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सब कमियां तो साउंड बार में है, फिर भी दोस्तों इसका जो प्राइस है और स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इसको हमने परचेस किया है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज में, मुझे ये मिला दोस्तों 4500 रुपए में। तो दोस्तों मुझे ये साउंड बार इस प्राइस में कैसे मिला, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा साउंड बार है दोस्तों, इस बजट में बहुत ही बढ़िया है। आप छोटे रूम हो, बड़े रूम हो, टीवी के साथ या फिर मोबाइल लैपटॉप के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। बढ़िया डिसेंट साउंड क्वालिटी है। इसका जो बेस दोस्तों उतना हेवी नहीं है, बट दोस्तों जो है बैलेंस्ड है, बेस थोड़ी सी भी डिस्टॉर्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आप फुल वॉल्यूम में भी देखोगे। क्रिस्टल क्लियर साउंड है दोस्तों, इसमें डॉल्बी दिए गए हैं तो सराउंड इफेक्ट भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। अगर आपको ये साउंड बार चाहिए आप जरूर कर सकते। और दोस्तों आज की इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द और एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।